हेलो गाइस, मैं फिर से आप सभी के सामने आ चुकी हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और ढेर सारी खुशियों के साथ। आज ऐसे ही मुझे मन किया कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं, तो मैं इसीलिए आ गई। मैंने सोचा थोड़ा मेरे पीहर के बारे में भी बताऊं आप लोगों को। मैं मम्मा से मिला हूँ, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग मम्मा को भी नहीं देखे। एंड हमारे हम अपनी मम्मी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, मयंक कितनी बदमाशियाँ करता है, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमने भाभी को बोल के कॉफ़ी बनवाई है क्योंकि इधर ठंड थोड़ी बढ़ गई है। झारखंड में ऐसे भी बारिश होने के बाद थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, तो हमने आज भाभी से कॉफ़ी बनवाई है। एंड यूँ थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी यादों के पल और समेटना है मुझे पीयर में, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। हालांकि मेरा मन नहीं है जाने का, पर फिर भी जाना पड़ेगा। मयंक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फोर लिख रहे हो? कैसे लिख रहे हो? फोर दिखाओ, दिखाओ बेटे, इधर इधर कॉपी करो। तो यहाँ पे मयंक 1 2 3 4 लिख रहा है, पर थोड़ा सा ये गड़बड़ भी लिखता है, इसको भी थोड़ा सा और सिखाना पड़ेगा। बाकी हाँ, थोड़ा लिख लेता है। जैसे इतने सारे मैंने प्रैक्टिस वगैरह करवाए हैं, डॉट वगैरह लगा देती हूँ, तो ये थोड़ा बहुत लिख लेता है। आप लोग भी अगर अपने बच्चों को सिखाते हो ABCD लिखना, तो डायरेक्टली बहुत बहुत प्रेशर नहीं दें बच्चों पे, उनको लिखने दें, बट हाँ डॉट लगा के सिखाएं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में बच्चे उतना नहीं सीख पाते हैं। तो डॉट लगा देने से क्या है ना, आप उनको बोलोगे कि यहाँ से यहाँ पे आप डॉट से डॉट टच करो, लाइन खींचो, तो वो करके लिखना सीख जाते हैं। तो बस तो यहाँ पे मम्मी हमारे लिए कॉफ़ी लेके आई हैं और अब हम कॉफ़ी पियेंगे और आप लोगों के साथ भी कुछ कुछ बातें करेंगे। मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफी वाकई में बहुत अच्छी बनी है। एक तो बारिश ठंड की मौसम थोड़ी कर दी, अब गर्म गर्म कॉफी पीने का आपको कॉफी में बेटा इसको नहीं पिला सकते ना, मना किया ना मम्मा ने। नहीं सुना, ये छोटा बच्चा लोग नहीं पीते हैं। इसमें कॉफी में ना कैफीन रहता है, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता है, इससे आप नहीं पी सकते। आप दूध पियोगे तो मामी से जाओ दूध लेके पी लो, जाओ ना सोना। अच्छा सुनो, दूध में हम हॉर्लिक्स डाल के देंगे, ठीक है? जब मामी को बोले मामी दूध दे दीजिए, जाइए। तो मयंक को कॉफ़ी नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि आप जानते हो, खुद भी जानते हो कि बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है, इसमें काफ़ी कैफीन वगैरह की मात्रा है। तो कभी भी बच्चों को, छोटे बच्चों को, यानी कि जो 5 साल से छोटे हैं, उनको प्लीज़ आप ये ना दें, क्योंकि ये बहुत अफेक्ट करता है बॉडी में। तो ये नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा पेंसिल नहीं देना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप उस पेंसिल से लिख लो, ठीक है? और अभी आज है हमारा 8 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया है, और कुछ दिनों में पुरुषोत्तम महीना भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें पीयर से बाय बाय बोलना पड़ेगा, हालांकि मुझे बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, पर बोलते हैं ना पीहर आओ तो फिर जाने का मन नहीं करता, पर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं ना, तो हमें जाना ही पड़ता है। और आज आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात भी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत लोगों से सुनने मिल रहा है कि लाइक तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम रील्स क्यों बना रहे हो, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। तो यार मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यार अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है या आपको मेरा वीडियो बनाना नहीं पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ यार बातें मत बनाओ, खुद से कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच के उसको पीछे मत करो, ठीक है? बेटा यहाँ बैठो। तो यार मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है, तो मैं कर रही हूँ। अगर आपको शौक है तो आप भी कर लो ना, हर चीज है, और आपको लगता है कि आपको भी शौक है तो आप भी करो, पर बातें मत बनाओ यार। एंड पहली बात तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि गाइस, अगर आप वीडियो बना रहे हो ना, और अगर आपको कोई भी ये चीज बोल रहा है यार तुम वीडियो बनाते हो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है? लोग आप करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे, तो बेटर है उन चीज़ों को आप इग्नोर करो और आगे बढ़ते चले जाओ। एंड तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इतना ही बोलना चाहती हूँ, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड डू सपोर्ट मी।